हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, फॉर 11th क्लास स्टूडेंट, हमारी इस आरएस पांडे क्लासेस ऑनलाइन के माध्यम से आपको लाइन टू लाइन सम बेसिक केमिस्ट्री पर आज मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक में चल रहा है। मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक में आप केयर करिए, वेरी गुड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैंने आपको बताया था मोल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, में आपने देखा था कि एन ए इक्वल टू डब्ल्यू बाई ए डब्ल्यू अपॉन पी प्लस एन के, में डब्ल्यू अपॉन न्यूक्लियन, वेरी गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक। एन ए, एन ए क्या है प्लीज बोलिए आप। एन ए आपको दिखाई पड़ रहा है मोल ऑफ एटम, मोल ऑफ एटम, एक एटॉमिक मास, सभी लोग पढ़े हुए हैं 10th क्लास लेवल पर, आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा। एटॉमिक मास एंड डब्ल्यू इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम, ऑफ एटम एंड डब्ल्यू इज गिवन मास ऑफ एटम, एनी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल एन ए इक्वल टू वन डब्ल्यू इक्वल टू ए, एन ए इज ग्रेटर देन वन डब्ल्यू इज ग्रेटर देन ए, एन ए इज लेस देन वन डब्ल्यू इज लेस देन ए। एज ए पॉइंट में हम आपको केयर करने की बात किए थे, एक इंपॉर्टेंस पॉइंट आपने ले लिया था। इस केस में तो हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए। फाइंड दी मोल नंबर इन 2.4 ग्राम मैग्नीशियम एटम, इसका एटॉमिक मास 24 होता है। आप 24 के एटॉमिक मास में केयर करेंगे तो क्या फार्मूला लगाएंगे आप बोलिए। आपने यहां पे केयर किया एन ए इक्वल टू डब्ल्यू बाई ए, देखिए डब्ल्यू कितना दिया है 2.4 ग्राम, ए इक्वल टू 24, देन एन ए इक्वल टू 2.4 अपॉन 24 कैंसिल 0.1, एन ए इक्वल टू 0.1 मोल, ये आंसर आपको मिल गया। तो इस फॉर्मूले पर हम केयर कर सकते हैं, लगा सकते हैं मोल के रूप में, आपको बता सकते हैं जैसे यहाँ पे हम आपको दिखा रहे थे। तो मोल कंसेप्ट ऑफ एटम के टॉपिक में आप यहां से ले रहे हैं, इसमें साफ क्लियर कीजिए। बच्चों एक बात ध्यान से मेरी बात समझिए, अगर मान लीजिए 24 ग्राम एमजी एटम दे दिया गया, दूसरा कंडीशन आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन के रूप में, हम चलिए बात करते हैं फाइंड दी मोल नंबर और अगर दिया गया 24 ग्राम एटम एमजी, दोनों के कंडीशन पे आपको मोल नंबर की बात कर रहे हैं।
एक सिंपल टॉपिक में आप बिल्कुल देखिए एटॉमिक मास नंबर मोल पे हमने आपको बताया था कि ग्राम एलिमेंट एटम अगर लिखा जाएगा तो सबसे पहले सॉल्व करने की तरीका जो सॉल्यूशन में आप देखें अगर ग्राम एटम पहले लिखा गया है आप यहां से ध्यान दीजिए एलिमेंट तो ये आपका मोल होता है और ग्राम सिंबल एटम लिखा गया कि ये ग्राम एक्चुअल में यूज किए जाएंगे। एटम बाहर में आएगा तो आपका पहला क्वेश्चन देखें फर्स्ट कंडीशन पे 24 ग्राम मैग्नीशियम एटम इसका मतलब है कि W इक्वल टू 24 ग्राम दिया गया है। मैग्नीशियम के एटॉमिक मास कितना होता है 24 होता है देन यन एम जी इक्वल टू W बाई ए नाउ दी W 2.4 ग्राम अपॉन 24 इज ऑल्सो 0.1 तो यन एम जी इक्वल टू 0.1 मोल केयर करने की बात आई ये आंसर आपने मिल गया। अब जरा ध्यान देने की बात कीजिए दूसरे टॉपिक में अगर आप लेते हो इसमें क्वेश्चन सेकंड की बात मैं कर रहा हूं 24 ग्राम एटम एम जी दिया हुआ है तो आप यहां से केयर कर रहे हैं इसे हम बोलते हैं एन इक्वल टू 24 मोल एम जी इसका आंसर यही होता है जो आप केयर कर रहे हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट में ग्राम एटम अगर पहले दिया गया है तो आप मुझे मोल समझिएगा ग्राम के बाद अगर सिंबल दिया गया उसके बाद अगर मोल दिया गया है तब आप उसको ग्राम में ही कन्वर्ट करके आप यूज करेंगे। तो ऐसे पॉइंट में ये चीज़ें खास करके देखने के लिए होती है मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल के टॉपिक पे जहाँ पे आप इसको ध्यान देने की बात करोगे। देखिए मोल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम सिंपल कंडीशंस की बात करते हैं आइए नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं। नंबर ऑफ एटम में देखिए नंबर ऑफ एटम इक्वल टू एन इंटू एवोगाड्रो नंबर ये फार्मूला आप केयर करने की कोशिश कीजिए कि मोल नंबर ऑफ एटम इंटू एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके आप इसको निकालोगे तो आप जानते हैं एन एटम इक्वल टू डब्ल्यू बाई ए नंबर ऑफ एटम इक्वल टू W अपॉन A इंटू एवोगाड्रो नंबर W गिवन मास A इक्वल टू एटॉमिक मास। आप यहां से ध्यान देने की बात कीजिए NA एवोगाड्रो नंबर जिसकी वैल्यू हम आपको पिछले में दिखा चुके हैं 6.023 10^23 ये चीज खास करके देखने की बात करते हैं वन मोल एटम इक्वल टू हियर कंडीशन आप देते हैं। आप एक पॉइंट और देखे होंगे वन मोल एटम इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू 6.023 10^23 एटम। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए केवल एक फार्मूला यूज करेगा मोल नंबर इंटू एवोगाड्रो नंबर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम आपको मिल जाएगा
और ये इस तरह से हम चाहे कुछ भी निकाल सकते हैं, डब्ल्यू भी निकाल सकते हैं। एक सिंपल सी मोल कॉन्सेप्ट के डिवीजन पर आपको केयर करना होगा। जब ये लेते हैं नंबर एटम मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए। इस पर आप क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 6.4 ग्राम सल्फर। सल्फर आप यहां से देख रहे हैं कि इसमें देखिए सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है। आप लेंगे यहां फिर इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है कि नंबर ऑफ एटम इक्वल टू एन इन टू एवोगाड्रो नंबर। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, एन इक्वल टू डब्ल्यू बाई ए, देन नंबर ऑफ एटम इक्वल टू डब्ल्यू बाई ए इन टू एवोगाड्रो नंबर। अब डब्ल्यू कितना दिया गया है 6.4 ग्राम, डब्ल्यू इक्वल टू 6.4 ग्राम, ए इक्वल टू 32, यानी कि वैल्यू 6.023 10^23। आप इसको सॉल्व करके लगा लेंगे नंबर ऑफ एटम इक्वल टू केयर करिए 6.4 अपॉन 32 इंटू 6.023 10^23 0.264012 यहाँ पे 1.2 इंटू 10^23। तो आपने आंसर प्राप्त क्या किया 1.2046 10^23। ये आपका नंबर ऑफ एटम आया सल्फर एटम। तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं जब सल्फर एटम के रूप में आपको पता लगा कि इस टॉपिक पे कैसे यूज कर रहे हैं। आप केयर करिए यहाँ से देखने की बात करते हैं कि ये सल्फर एटम के रूप में हम आपको बताएं 1.2046 इंटू 10^23 की बात कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आप केयर करें इस तरह से मोल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम के टॉपिक पर आप बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से देखने की बात कीजिए, इसमें अगला एक क्वेश्चन और देखिए। हाउ मच ग्राम एटम ऑफ कार्बन इन 10^3 कार्बन एटम। कह रहा है कि कार्बन का कितना ग्राम अमाउंट हो सकता है। आप यहां से ध्यान देने की बात कीजिए कि 10^3 कार्बन एटम आपको दिए गए हैं। ये क्या दिया गया है आपका नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ कार्बन दिया गया है। तो आप ध्यान दीजिए नंबर ऑफ कार्बन एटम दिया हुआ 10^3 और फार्मूला होता है नंबर ऑफ एटम इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ए इंटू एवोगाड्रो नंबर। आपको डब्ल्यू मेजर करना है, डब्ल्यू इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इंटू एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। अब ये मेन फार्मूला आ गया, इस पर आपको सवाल सॉल्व करना है। तो नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है, एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, एवोगाड्रो नंबर 6.023 10^23।
आप रख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू 10^3 एन टू 12/6.023 10^23। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेट में यहाँ पे 2 पॉइंट लेते हैं एज ए कंडीशन। आप अगर ध्यान देने की बात कीजिए तो सबसे पहले अगर 2 नहीं सॉल्व करना है तो टोटल आप सॉल्व करिए, 23 उपमें से 3 निकल जाएगा, 20 बचेगा और ये बन जाएगा 12/0 upon 6023 (10^-20). अब आप इसे हम सॉल्व कर सकते हैं 6023 12,000। आप यहां से केयर करिए, 2 जाएगा नहीं जाएगा, बन जाएगा 6023। 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 0 = 2 × 6 = 12, 3 × 9 = 7, 9 ये कंडीशन आ गया, 11 बचा आपका, 6 × 5 = 5, पॉइंट बढ़ाया 0 ले लिया। अब कितने जाएंगे, 8 × 48 (9×54), लगभग 9 की बात कर देता हूँ, तो आंसर 1.9 × 10^-23 ग्राम। ये चीज़ें खास करके इस क्वेश्चन टॉपिक पे अगर आप केयर करेंगे, इस टॉपिक के पहलू की तरह से हम आपको मोल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम की बात में आपको बताने चल रहे थे कि ये कैसे आया। तो मोल कॉन्सेप्ट एटम जब भी निकालना हो 2 बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, एक तो n = W/A, अगर नंबर निकालना है तो एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देना है, कि ये कंडीशन आपको साफ दिखाई पड़ेगी कि W/A × एवोगाड्रो नंबर करेंगे तो हमें नंबर आपको पता चल जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एटम का केवल 2 ही फॉर्मूले होते हैं जो आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। आइए सबसे मेन टॉपिक की बात हम लेते हैं, मोल कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। अभी मॉलिक्यूल और कंपाउंड, अभी हम एटम की बात कर रहे थे, अब आपके सामने ये केयर करने चल रहे हैं कि मोल कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एटम। देखिए मोल कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, मॉलिक्यूल और कंपाउंड आप यहां से केयर करिए, आपने ध्यान देने की बात किया। सेम कंडीशन की बात करते हैं, मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो n मॉलिक्यूल इक्वल टू हो जाएगा W/mmol। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं नंबर ऑफ मोल इन मॉलिक्यूल, इट्स कॉल्ड मोल कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल। अब मोल कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल के मोल के रूप में इसको मेजर करेंगे, W गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल, m इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, या आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाले जाएंगे, आप यहां से केयर करें, सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, एटम के एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे तो
मॉलिक्यूलर मास आपको दिखाई पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया गया H2SO4 बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड, अब इसको हमें एटॉमिक मास निकालना होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आप जानते हैं 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, लेकिन मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। यम H2SO4 इक्वल टू 2 हेंडू हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन एटॉमिक मास आप केयर करें। अब अगर यहाँ लेते हैं तो सवाल यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 इंटू हाइड्रोजन 1 32, 4 इंटू 16 2 प्लस 32 64 इक्वल टू 98। तो आप ध्यान दीजिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इक्वल टू 98 हो जाएगा। केयर किया आपने, इस पॉइंट से अगर आप लेते हो तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये 98 के कंडीशन पे आप बिल्कुल करेंगे। तो आप एक क्वेश्चन देखिए जो मोल कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर W इक्वल टू M है तो N इक्वल टू 1 मोल होगा। W इज ग्रेटर देन M, N इज ग्रेटर देन 1 मोल, W इज लेस देन M, N इज लेस देन 1 मोल। ये पॉइंट आउट करने की बातें हैं, अर्थात गिवन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास के मॉलिक्यूलर मास जब इक्वल हो जाता है तो ऐसे कंडीशन पे हम बिल्कुल कह सकते हैं कि वो साफ दिखाई पड़ता है। तो आप केयर करने की बात, एक क्वेश्चन लिखाइए, कैलकुलेट दी मोल नंबर इन 3.6 ग्राम C6H12O6 ग्लूकोज, इसमें आपको मोल नंबर निकालना है। ये मॉलिक्यूल है, कंपाउंड्स है, तो N इक्वल टू W बाई M रखेंगे। अब यहाँ A नहीं रखेंगे क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल के कंडीशन पे अगर आप लेते हैं तो ये चीज खास कर दिखाई पड़ेगा, मोल N इक्वल टू 3.6 ग्राम, W इक्वल टू कितना लेंगे, सॉरी N तो निकालना है हमको, W 3.6 ग्राम और M C6H12O6। अभी मैंने बताया था 6H2 कार्बन, 12 इंटू हाइड्रोजन एंड 6 इंटू ऑक्सीजन एटॉमिक मास। तो 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16 इक्वल टू 180। तो मॉलिक्यूलर मास 180 आया। तो N इक्वल टू 3.6 अपॉन 180 देन 10.2 0.2 मोल, 0.02 मोल, 10 से डिवाइड करने पे ये मिल जाएगा N इक्वल टू 0.02 मोल ग्लूकोज। ये एक आंसर के रूप में हमें प्राप्त हुआ है जहाँ पे ये हम केयर कर रहे हैं। नाउ द बेस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ग्लूकोज के कंडीशन पे अगर आप लेते हैं तो पर्टिकुलर मोल कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल एंड डिफाइन द नंबर ऑफ मोल इन एनी अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ऑफ द मोल कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल। द मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काउंट करने के लिए द फर्स्ट टाइम यूज द फार्मूला N इक्वल टू W बाई M, N इक्वल टू W बाई M, वेरी गुड इंपॉर्टेंट फार्मूला। M इज द मॉलिक्यूलर मास एंड W इज गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल एंड N इज इक्वल टू मोल नंबर। फॉर द क्वेश्चंस इन द कैलकुलेट
अगर हम आपको गिवन मास दिया गया है तब आप इस फॉर्मूले पर रख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आइए सबसे बेस्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जहाँ पे नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। जी, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करके आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करता हूँ। ये बेस्ट इम्पॉर्टेंट के वेरी गुड इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है जब आप केयर करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू n2 एवोगाड्रो नंबर। अब यहाँ n इक्वल टू क्या रखेंगे हम, w/m, क्योंकि मॉलिक्यूल दिया हुआ है। तो फेयर h n इक्वल टू w/m मोल देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू w/m इनटू एवोगाड्रो नंबर। आपको ये फार्मूला मिल गया, बिल्कुल आप केयर करके निकाल सकते हैं। w गिवन मास, m हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, और n a एवोगाड्रो नंबर। एज ए पॉइंट आप केयर करोगे तो ये चीज़ खास करके दिखाई पड़ेगी। तो हम आपको यहाँ बता रहे हैं, ये इस फार्मूले पर रख करके आप कोई भी न्यूमेरिकल लगा सकते हो जो ये न्यूमेरिकल के दिखाई पड़ेगी। ये चीज़ें अच्छी तरह से जान लेने की बातें हैं कि कैसे आप टेकअप करेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हमें काउंट करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको इस पर दिखा रहा हूँ इसमें लगाने के लिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, मोल कंसेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। आप धीरे धीरे न्यूमेरिकल की दिशा में पहुंच रहे हैं। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आप ले रहे हो। तो सबसे मेन पॉइंट देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू n इनटू एवोगाड्रो नंबर। कभी भी नंबर निकालने के लिए एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करना, मोल निकालने के लिए केवल w/a या w/m लगाएंगे। अब आप यहां ध्यान देने की बात कीजिए, n इक्वल टू w/m लेते हैं। अब n इक्वल टू w/m देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू w/m n2 एवोगाड्रो नंबर करेंगे। अब यहाँ पर केयर लगाइए, w कितनी वैल्यू है, w इक्वल टू 4.4 ग्राम, m इक्वल टू 44। आपने CO2 को देखेंगे, C+2 इंटू O2, 12+2 इंटू 16 इक्वल टू 44। तो मॉलिक्यूलर मास आपका 44 आ गया। आप रख दीजिए 4.4 44 इंटू 6.023 10^23, कट करके 0.1, ये आएगा 6.023 10^22। अब 10^22 ये आपका नंबर आया और यही आंसर आपका 6.023 10^22 ये आपको मिल गया जो आप देख रहे हैं। तो आज की टॉपिक में मोल कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपने केयर किया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मोल निकालने के लिए w/m यूज करेंगे मॉलिक्यूलर केस में, फिर नंबर निकालने के लिए एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करके आप केयर करोगे। आप ध्यान दीजिए, आप इस तरह से अगर लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल पर देखेंगे और न्यूमेरिकल के थाट आ रही है, हम आपको जेई मेंस एंड एडवांस के भी न्यूमेरिकल कौन से पूछे गए हैं इसमें आपको देते रहेंगे, नीट से कौन से क्वेश्चन आए होंगे वो भी आपको देंगे। और आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को अधिक मात्रा में लाइक्स
एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।